हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में कृषि क्रशर का डिफरेंट फैक्शन ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे कि क्रशर को अप्रोक्सीमेट 10 मिनट चला देंगे, फिर उसके बाद फिर हम उसको रोक देंगे। फिर क्रशर की जो पहली बेल्ट होती है उसमें जीएसबी मटेरियल निकलता है। जीएसबी 40 mm, 20 mm, 10 mm एग्रीगेट का हम 1 मीटर बेल्ट से सैंपल ले लेंगे एग्जैक्ट। फिर उसके बाद सभी सैंपल को वेट कर लेंगे, फिर सैंपल का परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तो जीएसबी का वेट आया है 11211 केजी 1 मीटर बेल्ट का, और 40 mm एग्रीगेट का आया है 7096 केजी, और 20 mm एग्रीगेट का आया है 4266 केजी, 10 mm एग्रीगेट का आया है 6562 केजी, और डस्ट का आया है 9577 केजी। अब इसको टोटल हम जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 38711 केजी आ गया। अभी आपको परसेंटेज निकालना है, बहुत आसान है। तो जीएसबी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 11211 डिवाइडेड बाई 38711 इंटू 100 आ जाएगा आपका 28.96। उसी तरीके से 40 mm का क्या हो जाएगा, 7096 डिवाइडेड बाई 38711 इंटू 100 आ जाएगा 18.33 परसेंटेज आ जाएगा। उसी तरीके से 20 mm का 4266 डिवाइडेड बाई 38711 केजी इंटू 100 आ जाएगा 11.02 परसेंट आ जाएगा। फिर 10 mm का 6562 डिवाइडेड बाई 3871 इंटू 100 आ जाएगा आपको कैलकुलेट करने में 16.95 आपको आ जाएगा। और डस्ट का उसी तरीके से 9577 डिवाइडेड बाई 38711 इंटू 100 इससे आपका परसेंटेज आ जाएगा 24.74%। इस तरीके से आप आसानी से क्रशर में डिफरेंट फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं वो आप निकाल सकते हैं। Thank you for watching my video.